फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्कूल का पिकनिक है। पिकनिक में जाने के लिए मैं अभी स्कूल में पहुंचा हूं। तो अभी मीत को फिश करने के लिए ये डाउ को सार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, अभी मीत को अभी फिश कर रही हैं ये बंदे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चावल अभी यहाँ पक चुका है एंड अभी चावल को निकाल रहे हैं बाहर में। तो यहाँ पे वेजिटेबल बनाने के लिए हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अभी। तो ये है कैबेज। तो कैबेज भी बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ में मिक्सर होता है, तो इसीलिए ये देखिए फी, ये भी मतलब एक साथ में बना के मिक्सर करी बनाएगा वेजिटेबल का। गाइस, अभी ये आँख में दे चुका है एंड इंग्रेडिएंट्स अभी डाल रही हैं और कैबेज भी डालना है। और तो ये अभी डाल रही हैं चिल्ली फेस्ट। तो ये रहा ऑनियन, ये रहा गार्लिक एंड साथ में है मैं मस्टर्ड वेल। तो आज का पिकनिक खाना जो है यहाँ स्कूल से डायरेक्ट बना के लेके जा रही हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी वापस आना है, छोटा छोटा बच्चा भी है तो उन लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड किया है कि मतलब यहाँ से रेडीमेड बना के वहाँ में जाके खाने से हो जाएगा और जल्दी वापस आ सकेंगे, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है तो उसके लिए दिक्कत ना आए। तो ये बिल्कुल लोकल आलू, क्योंकि पोटैटो नहीं है, मतलब ये एक तरह का आलू है। गाइस, सब्जी वेजिटेबल जो है सब्जी ये ऑलमोस्ट हो चुका है, देखने में भी सुंदर लग रहा है तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा साइड। तो गाइस, अभी हम लोग पिकनिक स्पॉट के लिए हम लोग रवाना कर रहे हैं, जैसे कि स्पॉट जो सामने है तो इसलिए हम लोग पैदल ही जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग आधा रास्ता में पहुंच गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये तो ठेला, वो जो ब्रिज, छोटा सा ब्रिज है, ठेला पार नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अभी ठेला लेके उधर ऊपर तरफ से पार करेगा। स्टूडेंट लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे एक जगह में गैदर करने के लिए। तो हम लोग का पिकनिक का आज का पिकनिक का ये स्पॉट यही है। हम लोग का जो सामान है वो अभी पहुँच गए हैं, तो अभी वो अनलोड कर रहे हैं, उतर रहे हैं गाड़ी से। तो थोड़ी देर बाद हम लोग लॉन्च के लिए बैठेंगे। तो गाइस, अभी लॉन्च कर रहे हैं बच्चे लोग, तो हमें जल्दी भी जाना है। बाय बाय।
धीरे धीरे खाना है यहाँ तो गाइस सभी सीनियर बच्चे खा रहे हैं खाना, क्योंकि इधर मुझे तो ख़त्म करना है। तो उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर एंजॉयमेंट करेंगे और जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में नहीं तो खाने नहीं मिलेगा, देखो। हाँ क्या खा रहा है? वो फोर्क कर रहा है ना, और चिकन नहीं खाता है, पता है ना? ओके, वो ऑप्शनल है। चिकन खाने से फोर्क खाने नहीं मिलते ना। ये रोशन क्या खा रहा है? रोशन भी फोर्क खा रहा है ना, है कि नहीं? तो ये मंगल, मंगल बोलो। तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 8 के और क्लास 7 के सीनियर बच्चे। हो गया दुला के इधर में रखो। हाँ इधर में रख दो। हाँ सफा करके रखना है, नहीं तो नदी गंदा हो जाएगा। हाँ पानी गंदा हो जाएगा। हो गया, ये में डिस्पोजल में रखो। ठीक है, ये पानी में डाल दो। ये खाना जो है ना पानी में डालना है, समझ में आया? ओए गाइस, साफ सफाई भी होना चाहिए, क्लीननेस। तो इसीलिए हम लोग का डिस्पोजल को एक जगह में यहाँ रखने के लिए बोला है। तो अभी ये देखिए, आप देख सकती हैं एक जगह में बिल्कुल ही रखा है। तो जस्ट जो फूड वेस्ट हो चुका है, तो वो पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि वो मछली लोग खाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये वेस्ट फूड जो है यहाँ पे फेंक दिया है, क्योंकि मछली लोग खाएगा। तो गैस यहाँ पे गैस भी आए हुए हैं, एंड गैस के लिए खाना भी रेडी कर रहे हैं। तो गैस अभी हम लोग जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो एवरीथिंग क्लियर और साफ सफाई भी करना है। सो यू कैन सी ओवर देयर, दे आर जस्ट कलेक्टिंग द प्लेट्स, स्पेशल प्लेट व्हिच वी हैव टेकन आवर लंच। सो सब कुछ रेडी हो चुका है जाने के लिए। तो यू कैन सी सफा करना है।
जाएंगे एंड तो आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करता हूँ। एंड जिन्होंने भी मेरा अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो एंड शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। अभी हम लोग जाएंगे, अभी लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू वेरी मच।